यह है Realme P1 Speed। इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला था, तो लीजिए वीडियो आ गया P1 Speed का। आज हम इसका फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे और उसके बाद चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो अपने पास चार और स्मार्टफोन भी है। Realme का तीन स्मार्टफोन है, P1 Speed, P2 Pro, Narzo 70 Turbo। साथ में अपने पास है iQOO Z9s और OnePlus Nord CE4 Lite। Now Realme P1 Speed and Narzo 70 Turbo को पावर दिया है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी चिप ने। Realme P2 Pro में Snapdragon 7s Gen 2 लगा है, iQOO Z9s में Dimensity 7300 एंड OnePlus Nord CE4 Lite में Snapdragon 695। पांचों स्मार्टफोन में Android 14 based OS रन कर रहा है, पांचों का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच P1 Speed, Narzo 70 Turbo और OnePlus Nord CE4 Lite में अगस्त का है, Realme P2 Pro में सितंबर का और iQOO में अक्टूबर का। डिस्प्ले मिलेगा पांचों स्मार्टफोन में फुल HD+ AMOLED एंड रिफ्रेश रेट 120Hz, बट मैं सबको ऑटो पे सेट कर देता हूँ। पीक ब्राइटनेस जो है ना, ये Realme P1 Speed, P2 Pro एंड Narzo 70 Turbo का सेम है 2000 Nits, iQOO Z9s में मिल जाएगा 1800 Nits और OnePlus Nord CE4 Lite में 2100 Nits। अब बात करेंगे हम बैटरी के बारे में। Realme P1 Speed एंड Narzo 70 Turbo में मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, Realme P2 Pro में 5200 mAh, iQOO Z9s एंड OnePlus Nord CE4 Lite में 5500 mAh। चार्जिंग स्पीड Realme P1 एंड Narzo 70 Turbo में मिलेगा 45W, P2 Pro एंड OnePlus Nord CE4 Lite में 80W, iQOO में 44W। तो गाइस, बैटरी मैंने पांचों स्मार्टफोन का फुल कर दिया है, सारे ऐप्स को क्लोज कर दिया है एंड पांचों डिवाइस सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। नाउ वॉल्यूम सबका 75% के आसपास सेट है, बट ब्राइटनेस रहेगा सबका एकदम फुल मैक्सिमम। गाइस, सबसे पहले हम इन पांचों स्मार्टफोन का ना बेंचमार्क टेस्ट करेंगे, एंड्रॉइड और Geekbench, उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, पांचों स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है इसका स्कोर एंड थ्रॉटलिंग में इसका रिजल्ट देखेंगे। और टोटल 1 घंटा लगने वाला है इस टेस्ट में, तो 1 घंटे में कौन सा फोन कितना गर्म होता है एक्सट्रीम टेस्ट के बाद और कितना बैटरी ड्रेन करता है, ये सब कुछ चेक करेंगे। तो गाइस, ये आ गया एंड्रॉइड बेंचमार्क टेस्ट का स्कोर, एंड स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Realme P1 Speed का 686,000 एंड iQOO Z9s 5G का 685,000। मोर और लेस दोनों का स्कोर सेम आया है, एंड थोड़ा कम दिख रहा है Narzo 70 Turbo का 679,000, और उसके बाद दिख रहा है स्कोर Realme P2 Pro का 633,700 के करीब, एंड उसके बाद दिख रहा है OnePlus Nord CE4 Lite का स्कोर 477,000। CPU स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है Narzo 70 Turbo का 218,000, उसके बाद Realme P1 Speed का 216,000-217,000 के करीब, और उसके बाद iQOO Z9s का दिख रहा है 209,000-210,000 के करीब। Realme P2 Pro का स्कोर दिख रहा है 207,000, और सबसे कम दिख रहा है OnePlus Nord CE4 Lite का 154,000-155,000 के करीब। नाउ GPU स्कोर की अगर बात करें तो अगेन सबसे ज़्यादा दिख रहा है स्कोर Narzo 70 Turbo का 150,000, उसके बाद Realme P1 Speed का 149,500, तीसरे नंबर पे iQOO Z9s 147,000-148,000 के करीब, और चौथे नंबर पे Realme P2 Pro 121,000। अगेन सबसे कम दिख रहा है GPU स्कोर OnePlus Nord CE4 Lite का। चलिए अब रन करते हैं Geekbench 6 टेस्ट। गाइस, अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है और फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। गया Geekbench 6 का स्कोर, एंड स्कोर की अगर बात करें तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंगल कोर के स्कोर से, एंड सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Narzo 70 Turbo एंड Realme P1 Speed का, दोनों का लगभग सेम आया स्कोर, एंड उससे थोड़ा कम दिख रहा है स्कोर iQOO Z9s 5G का सिंगल कोर का स्कोर। तीसरे नंबर पे Realme P2 Pro का स्कोर दिख रहा है, और सबसे कम अगेन OnePlus Nord CE4 Lite का। नाउ मल्टी कोर का स्कोर अगेन सबसे ज्यादा दिख रहा है Narzo 70 Turbo एंड Realme P1 Speed का, अगेन दोनों का लगभग सेम दिख रहा है स्कोर, एंड तीसरे नंबर पे इस बार iQOO Z9s 5G का स्कोर दिख रहा है, चौथे नंबर पे Realme P2 Pro और उससे थोड़ा कम दिख रहा है OnePlus Nord CE4 Lite का स्कोर। गाइस, Antutu और Geekbench के बाद अब चलिए थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 Threads का। चारों ही फोन थोड़ा गर्म हो गया है, बट कौन सा फोन ज्यादा गर्म हुआ है चलिए चेक करते हैं। Realme P1 Speed का बॉडी टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था, एंड अभी मैक्सिमम 39-40 डिग्री के आसपास दिखा इसका बॉडी टेम्परेचर। Realme P2 Pro का टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था, एंड इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखा, मैक्सिमम बोल सकते हो 42 डिग्री के आसपास दिखा। उसके बाद Narzo 70 Turbo एंड इसका भी टेम्परेचर Realme P1 Speed जितना ही दिख रहा है 39 डिग्री के आसपास, 34 डिग्री के आसपास था इसका भी बॉडी टेम्परेचर। Z9s 5G का टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था, एंड इसमें भी मैक्सिमम
42 डिग्री के आसपास दिखा है। एंड OnePlus Nord C4 Lite का टेम्परेचर थोड़ा सा कम दिख रहा है, 33 डिग्री के आसपास था और अभी मैक्सिमम 38 डिग्री के आसपास दिखा। पांचों ही स्मार्टफोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर Realme P2 Pro एंड IQ Z9S 5G में दिखा और सबसे कम OnePlus Nord C4 Lite में। 30 मिनट के थ्रॉलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है एंड दो फोन काफी सॉलिड दिख रहा है, तीन फोन एवरेज दिख रहा है। सॉलिड दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है OnePlus Nord C4 Lite 92% एंड IQ Z9S 5G भी 91% स्कोर किया इसने भी, यानी दोनों ने मोर लेस सेम स्कोर किया, सेम परफॉर्म किया। Realme P2 Pro ने 80% स्कोर किया है, Realme P1 Speed ने 79% और Narzo 70 Turbo ने 78%। इन Realme के स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा थ्रॉलिंग नहीं हुआ है एंड बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं दिखा स्मार्टफोन। तो एक घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन से स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रेन किया है चले देखते हैं। Realme P1 Speed 86 पे दिख रहा है 14% बैटरी ने ड्रेन किया है 700 mAh। Realme P2 Pro 83 पे दिख रहा है 17% बैटरी ने ड्रेन किया है 884 mAh। Narzo 86 पे दिख रहा है ये भी 14% बैटरी ने भी ड्रेन किया 700 mAh। IQ 85 पे दिख रहा है 15% बैटरी ने ड्रेन किया 825 एंड OnePlus Nord C4 Lite 90 पे दिख रहा है 10% बैटरी ओनली इसमें ड्रेन हुआ है 550 mAh। चलिए अब नेक्स्ट टास्क, इंस्टा रील्स प्ले करते हैं हम एक घंटे के लिए पांचों स्मार्टफोन में मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ। तो गाइज एक घंटा हमने इंस्टा रील्स चला लिया, दो घंटा हुआ है टोटल, चलिए चेक करते हैं बैटरी। तो Realme P1 Speed 86 पे था 75 पे दिख रहा है 11% बैटरी ने ड्रेन किया है 550 mAh। Realme P2 Pro 83 पे था 72 पे दिख रहा है 11% बैटरी ने ड्रेन किया 572 mAh। Narzo 70 Turbo 86 पे था 75 पे दिख रहा है 11% बैटरी ने ड्रेन किया 550 mAh। IQ 85 पे था 76 पे दिख रहा है 9% बैटरीज में ड्रेन हुआ है ओनली 495 mAh एंड OnePlus 90 पे था 79 पे दिख रहा है 11% बैटरीज में गया है 605 mAh। अब अगला टास्क है YouTube Shorts एक घंटे के लिए अगेन मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, यानी फुल ब्राइट डिस्प्ले है पांचों स्मार्टफोन का। गाइस YouTube Shorts के बाद हम गेमिंग करेंगे, फिर स्टैंड बाय टेस्ट होगा, फिर मल्टीमीडिया और फिर चार्जिंग टेस्ट होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। एक घंटा शॉर्ट्स चलाने के बाद यानी तीन घंटे के बाद Realme P1 स्पीड दिख रहा है 68 पे, 75 पे था इस घंटे इसने 7% बैटरी ड्रेन किया है 350 mAh। Realme P2 Pro 72 पे था 65 पे दिख रहा है इसने भी 7% बैटरी ड्रेन किया है 364 mAh। Narzo 70 Turbo 75 पे था 68 पे दिख रहा है इसने भी 7% बैटरी ड्रेन किया है 350 mAh। IQ Z9S 5G 76 पे था 68 पे दिख रहा है इसने 8% बैटरी ड्रेन किया 440 mAh एंड OnePlus 79 पे था 70 पे दिख रहा है 9% बैटरी इसने ड्रेन किया 495 mAh। तो गाइज अब होगा गेमिंग, अब हम BGMI खेलेंगे स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे दो घंटे। गेम स्टार्ट करने से पहले पांचों स्मार्टफोन के ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा P1 स्पीड में, Realme P2 Pro एंड IQ Z9 में। Narzo 70 Turbo एक्सट्रीम प्लस मिल जाएगा इसमें, 90 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हो इस फोन में एंड OnePlus में आपको ओनली अल्ट्रा मिलेगा। बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा P2 Pro एंड Narzo 70 Turbo में, P1 स्पीड IQ एंड OnePlus में अल्ट्रा मिलेगा। HD के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा अगेन P2 Pro और Narzo 70 Turbo में, P1 स्पीड एंड IQ में अल्ट्रा मिलेगा और OnePlus में हाई मिलेगा। तो चलिए दो घंटे स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमिंग स्टार्ट करते हैं। जो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है इसका दो रीज़न है, एक तो वेदर ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अभी, और दूसरा जिस टेबल पे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो इसके ठीक ऊपर एक फ़ैन लगा है। ओके, तो फ़ैन के ठीक नीचे हूँ इसलिए फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। अगर आप फ़ैन से थोड़ा हटकर गेमिंग करोगे या फ़ोन को यूज़ करोगे तो फ़ोन आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा और बैटरी भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है ऐसे सिचुएशन में। अभी फ़िलहाल मैं पाँचों स्मार्टफोन को सेम कंडीशन में सेम टाइम पर यूज़ कर रहा हूँ एक साथ, तो आपको बैटरी के बारे में आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि कौन सा फ़ोन कैसा बैटरी बैकअप देने वाला है और कौन से टास्क में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है कौन सा फ़ोन, सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो।
ग्रेट। तो गाइस 2 घंटा हमने गेमिंग कर लिया, यानी टोटल 5 घंटा हो चुका है। एंड 5 घंटे के बाद रियलमी P1 स्पीड दिख रहा है 40% पे, 68 पे था। इसने 28% बैटरी ड्रेन किया है 1400 mAh। ओके, रियलमी P2 प्रो 65 पे था, 36 पे दिख रहा है। 29% बैटरी इसने ड्रेन किया 1508 mAh। एंड नार्जो 70 टर्बो 68 पे था, 42 पे दिख रहा है। इसने ओनली 26% बैटरी ड्रेन किया, यानी अल्ट्रा सेटिंग्स पे नार्जो 70 टर्बो ने थोड़ा कम बैटरी कंज्यूम किया है 1300 mAh। आईक्यू Z9S 68 पे था, 45 पे दिख रहा है। 23% बैटरी इसने ड्रेन किया है 1265 mAh। वन प्लस 70 पे था, 44 पे दिख रहा है। इसने भी 26% बैटरी ड्रेन किया है 1430 mAh। गाइस 11:30 बजा है अभी, तो चलिए अभी हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब हम स्टैंड बाय मोड पे चेक करेंगे इन पांचों स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप। नेटवर्क ऑन रहेगा, यानी पांचों स्मार्टफोन वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा। एंड रात भर में देखेंगे हम पांचों स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रेन करता है। गुड मॉर्निंग गाइस, 8:30 बज रहा है, यानी 9 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं 9 घंटे में कौन से फोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है। रियलमी P1 स्पीड 40 पे था एंड अभी 36 पे दिख रहा है, 4% बैटरी इसने ड्रेन किया है। रियलमी P2 प्रो 36 पे था, 33 पे दिख रहा है, इसने 3% बैटरी ड्रेन किया है। नार्जो 70 टर्बो 42 पे था, 38 पे दिख रहा है, इसमें भी 4% बैटरी ड्रेन हुआ है रात भर में। आईक्यू 45 पे था, 39 पे दिख रहा है, 6 गया रात भर में। एंड वन प्लस 44 पे था, 40 पे दिख रहा है, इसने 4% बैटरी ड्रेन किया है। बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन किसी ने भी नहीं किया रात भर में, बट सबसे कम किया Realme P2 Pro ने। चलिए अब नेक्स्ट टास्क मल्टीमीडिया। अब हम YouTube पे वीडियो प्ले करेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ। अभी मैंने पांचों स्मार्टफोन में एक सेम HDR वीडियो ओपन किया है एंड Realme P1 स्पीड, Narzo 70 टर्बो और iQOO में हम 4K HDR कंटेंट देख सकते हैं, ये वीडियो सपोर्ट करेगा। बट Realme P2 Pro में ओनली 4K वीडियो चलेगा, नो HDR। एंड OnePlus Nord C4 Lite में ओनली 1080p, नो HDR, नो 4K। चलिए 1080p वीडियो प्ले करते हैं पांचों स्मार्टफोन में 3-4 घंटे के लिए, जब तक सारा फोन डेड ना हो जाए। गाइज ऐसे वीडियोस को शूट करने में आप देख ही रहे हो कितना टाइम लगता है, उसके बाद इतना सारा डेटा, फिर वीडियो को एडिट करना, ऐसे वीडियोस में टाइम तो लगता है, साथ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और उसके बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, ये एक्चुअली बहुत मैटर करता है। तो गाइस पांचों स्मार्टफोन ने 3 घंटा YouTube का कंप्लीट कर लिया एंड पांचों अभी भी चल रहा है, तो चलिए 1 घंटे और चलाते हैं हम YouTube। Realme P2 Pro 5200 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 8 घंटे 20 मिनट चला, 33% बैटरी इसमें बचा हुआ था 1716 mAh, जो 3 घंटे 20 मिनट चला। Narzo 70 टर्बो 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 9 घंटे चल गया, 8 घंटे 57 मिनट चला, 38% बैटरी इसमें बचा होता 1900 mAh, जो 3 घंटे 57 मिनट चला, ऑलमोस्ट 4 घंटे। कई Narzo के डेड होने के ठीक 1 मिनट के बाद Realme P1 स्पीड भी डेड हो गया, सेम 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, इसमें 36% बैटरी बचा होता 1800 mAh, जो 3 घंटे 58 मिनट चला, यानी ऑलमोस्ट 4 घंटे। कई दोनों 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे चल गया है ऑलरेडी। YouTube का 4 घंटा दोनों ने कम्प्लीट कर लिया, चले अब कोई और टास्क करते हैं, बट उससे पहले हम बैटरी चेक कर लेते हैं। iQOO Z9 39 पे था, 9 पे दिख रहा है, 30% बैटरी इसने ड्रेन किया 1650 mAh। एंड OnePlus Nord 40 पे था, 4 पे दिख रहा है, 36% बैटरी इसने ड्रेन किया 1980 mAh। तो मल्टीमीडिया के लिए OnePlus से बेटर दिखा iQOO। चलिए फिर से BGMI स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन में सेम सेटिंग्स के साथ। OnePlus Nord C4 Lite में 4% बैटरी बचा हुआ था, 25 मिनट चला 220 mAh। एंड 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 25 मिनट चला। फाइनली iQOO Z9S भी डेड हो गया, एक और 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, इसमें 9% बैटरी बचा होता, 51 मिनट चला 495 mAh के साथ। एक चीज फिर से याद दिला दो, ये पांचों स्मार्टफोन में वाईफाई नेटवर्क के साथ यूज कर रहा था, यानी ये पूरा टेस्ट वाईफाई नेटवर्क के साथ हमने किया है। अगर मैं मोबाइल डेटा यूज करता ना, तो आराम से 1 से 1.5 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम
कम मिलता पांचों स्मार्टफोन में। आज का बैटरी ड्रेन टेस्ट हो गया, चलिए अब चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पांचों स्मार्टफोन को मैंने उसके ओरिजिनल अडैप्टर और केबल के साथ कनेक्ट कर लिया है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट। सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है एंड सबका नेटवर्क ऑफ कर दिया है, वाईफाई ऑफ कर दिया और ब्राइटनेस को भी सबका कम कर दिया है। 10 मिनट हुए, 10 मिनट में P1 स्पीड 18% चार्ज हुआ है, P2 प्रो 25, नार्जो 18, आईक्यू 15 और नॉड 17% चार्ज हुआ है। कई से 15 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं, रियलमी P1 स्पीड 25% चार्ज हुआ है, रियलमी P2 प्रो 37, नार्जो 70 टर्बो 25, 26% चार्ज हो चुका है, आईक्यू 24 और 26, वन प्लस नॉट CE4 लाइट। सबसे पहले 50% चार्ज कंप्लीट किया P2 प्रो ने 21.5 मिनट में, वन प्लस नॉट ने 50% चार्ज कंप्लीट करने में 29 मिनट ले लिया, आईक्यू ने आधा घंटा कुछ सेकंड लिया 50% चार्ज कंप्लीट करने में। हम कुछ 30-32 मिनट से फोन चार्ज कर रहे हैं, P1 स्पीड 49% चार्ज हुआ है अभी तक, P2 प्रो 71%, नार्जो 49, आईक्यू 52% चार्ज हो चुका है, वन प्लस 55%। ओके, तो 32.5 मिनट में रियलमी P1 स्पीड और नार्जो 70 टर्बो दोनों 50% चार्ज हो चुका। सबसे पहले 90% चार्ज कंप्लीट किया P2 प्रो ने 41 मिनट कुछ सेकंड्स में, 45 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं, P1 स्पीड 68% चार्ज हुआ है, P2 प्रो 94, 68, नार्जो 73, आईक्यू और 75 वन प्लस। 80% चार्ज कंप्लीट करने में वन प्लस ने 47.5 मिनट लिया और 49.5 मिनट लिया आईक्यू ने। सबसे पहले फुल चार्ज कंप्लीट किया रियलमी P2 प्रो ने 52.5 मिनट में। गाइस 54 मिनट में रियलमी P1 स्पीड और नार्जो 70 टर्बो दोनों 80% चार्ज हो चुका, 55 मिनट लिया आईक्यू ने 90% चार्ज कंप्लीट करने में और 58 मिनट लिया वन प्लस ने 90% चार्ज कंप्लीट करने में। वन प्लस एंड में थोड़ा सा स्लो गया, एक घंटे में रियलमी P1 स्पीड ने 87% चार्ज कंप्लीट किया, नार्जो 70 टर्बो ने 88, आईक्यू 96 और 91% चार्ज किया वन प्लस ने। नार्जो 70 टर्बो ने 1 घंटा 2 मिनट लिया 90% चार्ज कंप्लीट करने में एंड P1 स्पीड ने 1 घंटा 3 मिनट और 1 घंटा 4 मिनट में आईक्यू Z9S 5G फुल चार्ज हो गया। वाह, तो वन प्लस से पहले फुल चार्ज हो गया नार्जो 70 टर्बो और वैसे वन प्लस नॉर्ड ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया 1 घंटा 15 मिनट कुछ सेकंड फुल चार्ज कंप्लीट करने में एंड फाइनली रियलमी P1 स्पीड ने भी फुल चार्ज कंप्लीट कर लिया 1 घंटा 17 मिनट कुछ सेकंड्स लिया इसने। ये पांचों स्मार्टफोन ने फुल चार्ज कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया वो तो मैंने लिखा ही है, साथ में 80% चार्ज कितनी देर में कंप्लीट किया था और 50% चार्ज कितनी देर में कंप्लीट किया था ये भी लिख दिया है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म, वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।